अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह देहरादून बकरा मंडी का आज का एक और न्यू व्लॉग है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ईद के बकरे किस तरह से तैयार करें हम लोग। जो अब ईद आने वाली है, ईद के 2 महीने रह गए हैं, तो ईद के 2 महीने में हम अपने बकरे किस तरह तैयार करें कम दाने में, कम से कम। जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में इतना दाना नहीं मिल पा रहा है, पैसे कहीं से किसी पर नहीं आ रहा, तो अभी लॉकडाउन में कम दाने में अपना बकरा अच्छे से अच्छा तैयार कर सके। तो उसके लिए मैं आज की वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो मैं आऊँ शुरू करता हूँ आज की वीडियो में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियो में दिखाया था ये चने का छिलक लेना है हमें। ये चने का छिलक है, ये चने का छिलक और अपना चने का खंडा, ये खंडा होता है चने का, ये चने का खंडा लेना है। जूमो तो ये चने का खंडा लेना है। ये दोनों पानी में भिगो देना है। जैसे सुबह आपने शाम को खिलाना है तो पानी में छोड़ दो खंडा और छिलक। और ये आती है खल, दिखा, ये कपास की खल बोलते हैं इसे, यहाँ बनौले की खल भी बोलते हैं इसे। देखो आप, ये फैट बढ़ाती है बकरों में, और जो गैबन बकरी है, जो ब्याह चुकी है बकरी, दूध भी बढ़ाती है। ये बकरों में शाइन लाएगी और फैट बढ़ाएगी। ये देखो कपास की खल, ये पानी में तीनों एक साथ भीगते हैं। ये और गेहूँ, गेहूँ का दलिया जो होता है पिसा हुआ, वो भी हम इसमें डाल देते हैं पानी में। वो जब शाम के टाइम हम डालते हैं तो वो सुबह डालते हैं हम, तो शाम को इतना हो जाता है, पूरा तसला फुल हो जाता है। ये देख सकते हो आप, भीगने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा सब मिक्स हो के। देखो एक इसमें मक्की भी इसमें ही मिक्स डाल देते हैं हम, और ये सब भीग के इस तरह होता है। एक ये सस्ता का सस्ता पड़ेगा बिल्कुल आपको, या अगर आप एक डब्बा छिलक का डालोगे, ये छोटा वाला डब्बा है देखो मैं दिखा रहा, ये डब्बा, ये एक डब्बा अगर आप डालोगे पानी में तो ये फूल के 4 डब्बे हो जाएंगे। और एक डब्बा ये वाला भर के अगर खंडे का डालोगे आप, खंडा फूल करके पानी में डालोगे, तो ये फूल हो के इसके भी 3 डब्बे बन जाते हैं, 3 से 4 डब्बे शाम के टाइम फूल के। अगर सुबह डालोगे आप तो एक आधा किलो दाना में ये आपका 3.5 से 3 किलो दाना बनता है। और मैं अब अपने बकरे को खिला के दिखा रहा, चल इसमें थोड़ा मग्घे से पानी डाल पहले इसमें मगहेरा। ये जो बचा हुआ पानी ये भी अपने बकरे को पिलाना आप, इसे ऐसे कर ले। देखो इसका पानी भी ताकतवर होता है। अब बेटा बस बस बस, अब बेटा ना ना उससे ही डब्बे से भर, डब्बे भर, मैं बताऊंगा कितने डब्बे भरने। देखो अपना जानवर 1.5 से 2 किलो उठा लेता है मेरा बकरा, वो सुल्तान, उसके लिए बना रहा हूँ मैं। डन, एक डब्बा और डाल, ये इसका 3 डब्बे लगते हैं पूरे फुल, और इसमें पानी डालो। देख सकते हो आप दाना, बस 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 बस। और इसमें एक चीज़ ऊपर से ऐड और करनी है आपको, ये मैं दिखा रहा आपको, ये चोकर है देखो, ये चोकर बोलते इसे, ये चोकर ऐड करना है इसमें। ये चोकर ऐड करने से ये होगा, इसकी पानी है ना जो, ये पानी ज़्यादा पी लेती है, पानी ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें फिर। ये देख सकते हो आप, ये दाना कैसे बन गया। मेरी वीडियो अच्छे से देखना तब आपको समझ में आएगा मैंने इस वीडियो में दिखाया क्या है। ये देख सकते हो आप, इस तरह का दाना हो जाएगा संठा से। मैं दिखा भी रहा कि बकरा खाता कितना शौक से इसे। एक सेकंड सर, ये अपना सुल्तान अभी, एक सेकंड, ये अपना सुल्तान ये रखा शान ने, ये देख सकते हो आप माशाल्लाह का है। जब आपका जानवर खाता है
ये भी सुल्तान की कंडीशन है, देख सकते हो आप। ईद के टाइम में इसकी एक बार कंडीशन और दिखाऊंगा, देख सकते हो आप इसकी कंडीशन। इस दाने को खा के मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगा कि मेरा जानवर कितना बढ़ेगा। ये है वो दाना, ये मेरे सब जानवर एक वही इंतज़ार कर रहा है अभी, इसके लिए भी लेकर आता हूँ। मैं एक जानवर को और दिखाता हूँ अपने कि कैसे खाते हैं। भरी शाम कम कर थोड़ा उसको, कम कर उसमें से निकाल और निकाल थोड़ा सा, बस देख सकते हो इनकी लपक, जानवर की लपक होनी चाहिए दाने पे, लपक। जानवर के सामने का भी हमेशा दाना मत छोड़ना कि उसके सामने हमेशा दाना रहे, लपक होनी चाहिए जानवर। ये देखो जानवर को देख के देखो लपक। इसके टायर में रख देता हूँ, इसमें मैंने चोकर पहले ऐड कर लिया था, शान में अंदर ऐड कर दिया उसमें चोकर पहले। कभी आप सोच रहे हो उसमें चोकर ऐड करा, इसमें नहीं, इसमें पानी कम लगता है थोड़ा, वो पानी ज़्यादा पीता है थोड़ा। ये देख सकते हो आप, मैं आज की अपनी वीडियो ही ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मेरा और जानवर है, ये लालू। इस दाने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, दाना कम लग रहा है और जानवर खुश होकर खा रहा है। मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।